नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगभग 3 हफ्तों से चल रहा है, जहां एक तरफ इस दौरान कई राजनीतिक दल और संगठनों ने किसानों के इस प्रदर्शन की ताप में अपने हाथ सेकते हुए मोदी सरकार के खिलाफ अपना एजेंडा चलाते दिखे, तो लोगों ने इसका विरोध किया। इस प्रदर्शन की आड़ में कई देश विरोधी ताकतें भी सरकार के खिलाफ खड़ी उठी और किसानों के आंदोलन का रुख ही बदल के रख दिया। प्रो वामपंथी और खालिस्तानियों ने शर्जिल इमाम जैसे कई देशद्रोहियों की रिहाई की मांग भी इस मंच से उठाई, जिसके बाद इस आंदोलन के खिलाफ सवाल खड़े उठे और देश की जनता ये सवाल करने लगी कि यह आंदोलन किसानों का है या फिर देशद्रोहियों का। लेकिन जब किसानों को इस बात का एहसास हुआ तो किसानों ने बाकी के राजनेताओं को भी समर्थन करने से ये कहकर मना कर दिया कि ये प्रदर्शन उनके और सत्ता के बीच की लड़ाई है, उन्हें इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं, मना करने पर भी प्रदर्शन का हिस्सा बनने की ताक में रहते हैं। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है जब कृषि कानून 2020 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को किसानों ने वापस लौटा दिया। यूपी गेट गाजियाबाद गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जामिया के छात्रों को समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी अंशु जैन ने बताया कि जब किसानों ने प्रदर्शन में इन छात्रों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई तो पुलिस ने इन छात्रों को वापस लौटा दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की एकता को तोड़ना चाहती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून के विरोध में किसान अभी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं, यह आंदोलन ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पर रहेगा। सभी जिलों के हेडक्वार्टर पर भी ये किसान प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा के चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ शादीपुर दिल्ली के अध्यक्ष मदन लाल वाल्मीकि ने भी किसानों के प्रदर्शन के समर्थन का ऐलान किया है। तो अब देखना होगा कि किसानों और सरकार की बीच की ये लड़ाई कब तक और कहां तक जाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।